हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा थ्योरी और बेसिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो हम सीधे चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपाइलर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ codeblocks नाम का कंपाइलर यूज़ किया है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है। कंपाइलर क्या होता है, ये एक प्रोग्राम है जो कि इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, लोअर लेवल फॉर्म में। तो इससे ये फिर इससे रीड और एग्जीक्यूट कंप्यूट कर पाता है, यानी कि कंप्यूटर फिर इसे समझ पाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगी आपकी न्यू फाइल क्रिएट करना। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर फाइल है और यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन है, तो आपको एक न्यू फाइल बना लेनी है और फिर इसे सेव कर लेना है। सी प्रोग्राम लिखेंगे उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि फाइल को डॉट सी एक्सटेंशन में ही सेव करना है। यहाँ मैंने इसका नाम एग्ज़ाम्पल लिया है और यहाँ से मैं इसे सी एक्सटेंशन में सेव कर दूँगी। प्रोग्राम लिखने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। जैसे फंक्शन, फंक्शन वो होता है जो बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। तो प्रोग्राम बनाते समय इनपुट स्टेटमेंट का एक ग्रुप बनाकर इसे एक नाम दे देते हैं और आउटपुट स्टेटमेंट का एक ग्रुप बनाकर इसे भी एक नाम दे देते हैं। तो इसलिए हम प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड नाम का एक प्री प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हमें टाइप करना है। इससे हमें लोअर लेटर्स में ही टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम देना है। फाइल नेम में यहाँ पर हम लिखेंगे stdio.h। ये एक हेडर फाइल है और इसे हम प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सी कंपाइलर्स के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने यूज़र्स से इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट्स को ग्रुप में करके पहले से ही इस तरह से एक फंक्शन बना दिया है। इसके लिए हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम हर प्रोग्राम में इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम के लिए एक स्टार्टिंग होती है जहाँ से इसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। सी लैंग्वेज में ये मेन फंक्शन से शुरू होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले टाइप करेंगे इंट, फिर मेन पैरेंथेसिस, ये मतलब एक ब्रैकेट। हमारा मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसे। और इंट का मतलब भी इंटीजर ही है, बहुत सारे स्टेटमेंट को कंटेन करता है और प्रोग्राम की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। इसके बाद एंटर करके कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं और ये जो होता है ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी होती है कर्ली ब्रेसेस के बीच में। यहीं पर हम अपना जो भी इनपुट आउटपुट है वो लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जो है ये एक फंक्शन है और इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, पर इसका यूज़ जो है होता है स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। और इसका यूज़ हम कुछ इस तरह से करते हैं, पैरेंथेसिस लगा के और फिर कॉलन लगा के इसके अंदर हमें अपना जो भी प्रिंट कराना है मैसेज वो लिखते हैं। और जैसे कि हर सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से इस सेंटेंस को लास्ट करते हैं। और फिर हमें लिखना होता है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो जो है इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर एंड हो गया है। तो इस तरह से हमने अपने एक छोटा सा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है और हमें इसे क्या करना होता है, सेव। यहाँ नीचे हम देख सकते हैं एरर्स वगैरह। सेव करने के बाद हम इसे बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने पर ये रन हो जाता है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया।
ये सबसे छोटा प्रोग्राम था जिसमें हमने सीखा कि प्रोग्राम को स्टार्ट मतलब लिखना स्टार्ट कैसे करते हैं और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कैसे कर